मंद्रू नाम का एक आदमी रहा करता था। मंद्रू की पत्नी और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। मंद्रू बहुत ही कामचोर और लाचार था। वह कोई भी काम नहीं करना चाहता था, बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहता था। घर में एक पत्नी और बूढ़ी माँ के होते हुए भी वह कुछ भी नहीं काम करता था। उनकी घर से बहुत ही मुश्किलों से चला करता था। कभी कभी मंद्रू जंगलों से लकड़ी काट के देशने पे जाया करता था, लेकिन एक आध दिन के जंगल जाने से घर की रोजी रोटी नहीं निकलने वाली थी। उसे उसकी पत्नी और उसकी माँ कहे कहे कर थक गई थी। फिर भी मंद्रू एक अजीब आदमी था, पर कहीं नहीं जाता था। फिर भी एक दिन उसकी बूढ़ी माँ के चिल्लाने पर मंद्रू जंगल की ओर कुल्हाड़ी लेकर चला जाता है लकड़ी काटने के लिए, और उसके एक पालतू कुत्ता भी था, वह पीछे पीछे उसके साथ भी जाता है। तभी जंगल में अचानक से एक सांप निकलता है। तभी मंद्रू का कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगता है और भौंकते भौंकते उस सांप को वहां से भगा देता है। मंद्रू काम करने के नाम से बहुत ही आलस रहता था। वह ये सोचता था कि मैं काम ना करूं और मुझे पैसे भी मिल जाए और मेरी घर की रोटी रोटी भी निकल जाए। उस घर में मंद्रू के अलावा और कोई नहीं था काम करने को सिवाय मंद्रू की। लेकिन मंद्रू तो कामचोर था, वह बहुत ही जड़ा कामचोरी का काम किया करता था, और उसका कुत्ता भी उसी का विहार था। कुत्ता का नाम टोक था, वहां वार था। मंद्रू का भौंक भौंक के कुत्ता कुत्ते को वहां से भगा देता है। मंद्रू जैसे तैसे करके थोड़े से लकड़ी काट लेता है और लकड़ी के एक बीड़े बनाकर उसे सर पे धोके अपने कुछ टोपों के साथ बात करते करते घर आता है। अपने वफ्तार कुछ कहने लगता है कि चलो टोपो, आज तो बहुत ही सारा लकड़ी ले आया, आप तो हमें कल काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इतने से तो दो दिन का गुजारा जरूर निकल जाएगा। बस ऐसा कहते कहते वहां बात करते अपने कुछ से जा रहा होता है कि उसे रास्ते में सब्जी का ठेला दिख जाता है। सब्जी वाले से भी बात करते रहता है और सब्जी वाले कहने लगता है कि भाई मंगलू, आज तुम जंगल से बहुत इतने सी लकड़ी ले आए हो, इतने सी लकड़ियों से क्या होगा। मंगलू कहने लगता है कि ये मेरा काम है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक सी वही सांप उसके पीछे पीछे फिर से आ जाता है। अब मंगलू का कुत्ता सांप को देखकर भौंकने लगता है और मंगलू भी डर जाता है कि सांप तो मैंने जंगल में देखा था, अभी मेरे पीछे पीछे कैसे आ रहा। कहते कहते मंगलू डर सक जाता है और घर आ जाता है। घर आते ही अपनी माँ को कहने लगता है कि माँ देखो, मैं लकड़ियां ले आया हूँ, अब तुम्हें चिंता करने की कोई सावरत नहीं है, अब ये लकड़ियों से दो दिन का खर्चा तो जरूर निकल जाएगा। तभी मंगलू की माँ कहने लगती है, अरे निकम्मे कहीं की इतनी लकड़ियों में दो दिन का रोटी का गुजारा कैसे होगा, तू इतना निकम्मा कैसे है, तुझे तो बाहर जाके काम करना चाहिए। बूढ़ी माँ एक पत्नी है तेरी, हम दोनों की खर्चे तुझे उठाना चाहिए, तू इतना निकम्मा है। अगर मैं ही अच्छी रहती, तू मैं ही कमाल आती, तेरे भरोसे तू न रहती, आज इतना सा लकड़ी ले आया तो आज चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा कि दो दिन से तू काम पे नहीं जाएगा। शकल के बुढ़ी माँ उसे सुनाने लग जाती है। तभी मंगलू कहने लगता है, ओहो माँ, तुम तो मुझे हमसे सुनाती हो, मैं दो दिन की खर्चे के जिता लकर जून के ले आया हूँ। ऐसा कहे कि मंगलू वहां से निकलता है। निकलने वक्त वह सोचता है कि क्यों ना हर कोई मुझे बोलता है, मैं बाबा जी से अपने बारे में पूछ ही लेता हूँ। ऐसा कहे कि वह बाबा जी के पास जाता है। जाते 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 बाबा जी उसे नदी के किनारे मिल जाते हैं। ग्रुप बाबा जी को प्रणाम करके बाबा जी से कहने लगता है कि बाबा जी, मैं कुछ काम को नहीं कर पाता हूँ, मुझे क्या हुआ। हाँ, बाबा जी कहने लगते हैं, बेटा तुम्हें तो हुआ कुछ नहीं हो, लेकिन तुम खुद में अपने आप को कमजोर महसूस करते हो, तुम काम करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, ये तो तुम्हारे खुद की कमजोरी और बीमारी है, इसे दवा की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने आप मानसिकता को बनाओ। अच्छा कहकर वह वहां से आ जाता है। तभी ये सारी बातें अपनी बूढ़ी माँ और अपनी पत्नी से कहने लगते हैं, माँ मैं काम करूंगा, तुम दोनों का खर्चे उठाऊंगा, तुम अब चिंता ना करो। तभी बूढ़ी माँ बोलती है, बेटा ये तो तू हर दिन करता है, लेकिन हर दिन हम यही चिंता में रहते हैं कि तू काम करेगा। फिर भी वे इस बात को ठालते हुए निकल जाता है। मंगलू जैसे निकलता है वैसे उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता भी निकल आता है। अब उसका कुत्ता इतना वफादार था जो जहां भी जाता बिन बुलाए मंगलू के पीछे पीछे आ जाता। मंगलू कुल्हाड़ी पकड़ के जंगल के और निकलने लग जाता है। वहां बड़े गुस्से में रहता है और टोबू से इतना सारा बात करते करते जाता है कि आज तो मैं इतनी सारी लकड़ियां चुन के लाऊंगा कि माँ को एक शब्द नहीं मिलना चाहिए मुझे डांटने को, आज तो मैं काम करूंगी ही। ऐसा कहे कि वह जंगल चला जाता है। जंगल में खरगोश और हिरन भी मिल जाते हैं। वह तो एक बड़ी सी जंगल में जाके खुस जाता है। उसे डर भी बहुत लगते रहता है, लेकिन वह गुस्से में भी था। डर के वजह से वह ज्यादा लकड़ियां नहीं कर पाए। आया हूँ तो खाली हाथ ना जाओ करके बाद थोड़ी सी लकड़ियां चुन लेता है, लेकिन उतनी सी लकड़ियों से होने वाला नहीं है। फिर भी मंगलू हिम्मत करके उतनी लकड़ियां चुनके चला जाता है। अब मंगलू अपने घर धीरे धीरे जा रहा होता है कि लकड़ियां के बोझ को रख देता है और अपनी माँ को जोर से आवाजी लगाता है, माँ तुम कहाँ हूँ, माँ तुम कहाँ हूँ, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो, मेरी बात तुम्हें क्यों सुनाई नहीं पड़ रही है माँ। फिर मंगलू की पड़ोसी वहां आ जाते हैं और मंगलू से कहने लगते हैं, मंगलू भाई, तुम्हारी माँ और बीवी को मैंने सवेरे सवेरे कहीं जाते देखा है। वह कहने लगते हैं, माँ और मेरी पत्नी कहाँ चले गए, मैं ऐसा क्या कर दिया जो माँ मेरी पत्नी रूठ कर चले गए मुझे छोड़ के।
अब उससे चिंता सताए जा रही थी। वहां अपनी माँ और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहां बहुत ज्यादा चिंतित था। इतने दिनों बाद उसे तब महसूस हो रहा था अपनी माँ और पत्नी की मनी मन वह ठान लिया था कि मैं माँ और पत्नी को कभी तकलीफ नहीं दूंगा, मैं उसके लिए हर कुछ काम करूंगा। तभी ढूंढते ढूंढते वहाँ एक जंगल पार करने ही वाला होता है कि उसको उसकी बुरी माँ और उसकी पत्नी पेड़ के नीचे बैठे दिखाई पड़ती है। मंगलू देखकर सांस में सांस आती है। अब मंगलू धीरे धीरे अपनी माँ और पत्नी के पास जा पहुंचता है। अपनी बुरी माँ को कहता है कि माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो, पता है मैं तुम्हें पूरे घर में पूरे जगह पे ढूंढा फिर भी तुम मुझे नहीं दिखाई, माँ तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई, मैं सब कुछ काम करूंगा। ऐसा कहा कि अपनी बुरी माँ अपनी पत्नी को घर ले आता है और आते ही मंगलू बाबा जी के पास आके अपनी शिक्षा को देहुए को सुखाकर आज्ञाकारी बनते हैं।